सुखन यही सुखन है हकीकत में ताज दारे सुखन। छठे इमाम की शान में सिर्फ चार शेर मुलाहदा फरमाइए। اللهم صل على محمد وآل محمد تقرب العلم کی ہے جان جعفر صادق تقوی علم کی ہے جان جعفر صادق جان و دل جن پہ وہ قربان جعفر صادق جان و دل جن پہ ہے وہ قربان जाफर सादिक और भूल सकती नहीं दुनिया उन्हें वो सादिक हैं के भूल सकती नहीं दुनिया ये वही सादिक हैं और सदा करूँ निगहबान जाफर सादिक निगहबान जाफर सादिक ये मतलब ये खालिक का उनके करम देखते हैं ये खालिक का उनके करम देखते हैं और मोहम्मद को शाहे मोहम्मद को शाहे उमम देखते हैं और मोहम्मद के पदमों कहे जाद देखो मोहम्मद के पदमों कहे जाद देखो हरम को जो हम मोहतरम देखते हैं हरम को जो हम मोहतरम देखते हैं बहुत इत्तेफाक भी पढ़ा हूँ के जो दाखिल हुए खाना हक में अहमान जो दाखिल खाने हक में अहमान लड़ते हुए सनम देखते लड़ते हुए सब सनम देखते शेर है के मदद या नबी आपके उम्मती मदद या नबी आपके उम्मती सर जमाने के जुल
सितम देखते हैं। दुनिया में कितने जुल्म सितम हो रहे हैं कि जमाने के जुल्म सितम देखते हैं। और क्या जब शान देखी है मेराज की अजब शान देखी है मेरा जुकीश और फरिश्ते भी जाओ हशम देखते हैं। फरिश्ते भी जाओ हशम देखते हैं। क्योंकि अख्तर कई लोग हैं यहाँ पर तो मैं अख्तर का नाम ही हूँ माशाल्लाह अख्तर भी है। ये माला की मदद है कि क्या कोई मख्ता पे के सनाए मामा कहे फैज़ा सनाए मामा कहे देखते हैं ये मोहम्मद को मोहम्मद को देखते हैं। मेरे देश में क्या लगा हुआ है जिन्हें साथ में कभी कभी दुकान होती है। शुक्रिया। जी जी बिल्कुल उनकी तामीर में इंशाल्लाह। अभी देखिए आपके सामने है जनाब मोहतरम अख्तर नौगानवी साहब कुरान अपने मखसूस अंदाज में पेश कर रहे थे और अल्लाह उनको इस जिक्र के तवस्सुल से सेहत अता फरमाए। वो अपनी अलालत के बावजूद आज इस बाबरकत महफिल में शिरकत के लिए आए। अल्लाह उनकी शिरकत मौला शिरकत कबूल फरमाए और उनको सेहत दे। अभी मेरा मैंने एक शेर पढ़ा था तो मेरे लिए हुक्म है फिर से के सिमटे हुए ईमानी क्यों रुख पे ना तेवर हों जब आमिना जैसी एक बीवी के ये दिलबर हों। और वो शेर पेश करता हूँ कि जिस फर्द को जिस रुख से सीरत में यहाँ देखा जिस फर्द को जिस रुख से सीरत में यहाँ देखा हर एक मोहम्मद है अहमद हूँ कि जाफ़र हूँ। जिस फर्द को जिस रुख से सीरत में यहाँ देखा जिस फर्द को जिस रुख से सीरत में यहाँ देखा हर एक मोहम्मद है अहमद हूँ कि जाफ़र हूँ। देखिए नासिर साहब जैसा कि मैंने अभी अर्ज़ भी किया था कि अभी गुज़िश्ता दिनों एक अपनी हलालत से दो चार थे और अल्लाह ने उनको इतना सेहत याब किया कि वो इस लायक हुए कि वो मोमिनीन की खिदमत भी कर सकें और ये फर्श मसरत का भी इहतमाम कर सकें। और वो जिस खलूस के साथ ये जश्न करते हैं आप सब हजरात के सामने उससे ज़्यादा बेहतर हैं वो सारे मनाजिर के एक एक काम वो कितना उनका जज्बा शामिल होता है और कितनी अकीदत शामिल होती है और वो इसी तरह से दुआ। और उनके हवाले से मैं सिर्फ जो उनका एक मकसद है करने का एक मोहब्बत और लोगों में क्योंकि इत्तेहाद की एक तहरीक पहुँचे तो उनकी तरफ से ये मिसरा सिर्फ आपकी तरफ से कि मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे ये नासिर साहब की नियत रहती है और अल्लाह उन्हें इस मकसद में कामयाब करे। और इसी से मरबूत चार मिसरे आप सुन लें एक सलवार पढ़ें और अभी कुछ देर में सलीम साहब भी तशरीफ़ में आएंगे इंशाल्लाह के औरों के नायब साहब नवाजी का चार मिसरे पेश करता हूँ और इस महफिल का पैगाम भी समझ लीजिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा कि औरों के लिए दिल में ईसार का जज्बा हो। और मैं हवाले से पेश करता हूँ नासिर साहब के कि औरों के लिए दिल में औरों के लिए दिल में ईसार का जज्बा हो दरअसल यही जिंदा रहने की अलामत है। और ये हदीस भी है जिसके हवाले से मैं पेश करता हूँ जिसके पस मंजर में कि औरों के लिए दिल में ईसार का जज्बा हो दरअसल यही जिंदा रहने की अलामत है और अखलाके पैगंबर से ये दर्स मिला हमको। अखलाके पैगंबर से
ये दर्स मिला हमको मखलूक की खिदमत में खालिक की इबादत है। मखलूक की खिदमत में अखलाके पैगंबर से ये दर्स मिला हमको मखलूक की खिदमत में खालिक की मखलूक की खिदमत में खालिक की इबादत है। देखिए अब यहीं से मेरे चार मिसरे भी स्वारत हो जाएंगे अगर मैं इसी वक्त नासिर साहब को माइक पे बुलाऊं चंद कलमात के लिए और वो तशरीफ ला रहे हैं। तमाम मोमिन सलाम अलैकुम। आप लोग ज़्यादातर लोग वाकिफ ही होंगे कि 8 दिसंबर को नमाज शब के वक्त मुझे पैरालिसिस का अटैक हुआ और आप लोग की दुआएं मैं आज खड़ा हूँ और वाकई खुदा बहुत बड़ा है। मैं हाजिर इसलिए हुआ था कि ये महफिल काफ़ी सालों से हाँ हो रही है, उससे पहले मेरे घर पर किसी दूसरी शक्ल में हो रही थी। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी मौजूद हैं जो घर पर भी मौजूद होते थे और यहाँ पर भी मौजूद होते थे। पिछले कुछ चंद सालों से मुझे व्हाट्सएप के ज़रिए, SMS के ज़रिए, फ़ोन के ज़रिए अक्सर बेशतर लोग ये कहते हैं कि इस में आप इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का नाम किस वजह से नहीं लिखते। मेरे माइक पर आने का सिर्फ और सिर्फ एक यही मकसद था कि मैं आप तक अपना वो मैसेज पहुँचाना चाह रहा था। कल रात जब एक साहब का फ़ोन आया तो मैंने दिल में सोचा कि काश मैं शायर होता और उस पर शेर लिख सकता। इत्तेफाक देखिए कि अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल करी और कलीम भाई ने वो शेर पढ़ दिया। मैंने उनको जो जवाब दिया था वो बता दूँ कि हम उसके मानने वाले हैं कि ये कहता है कि अव्वलना मोहम्मद वो औसतना मोहम्मद वो आखरना मोहम्मद वो कुल्लना मोहम्मद। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि जब हमने उनका जश्न मना लिया तो आप सुनिए तमाम 12 के 12 इमाम इसी में मौजूद हैं। करीम भाई ने बहुत अच्छा शेर पढ़ा कि अहमद हो या जाफर चला के लगा अरे हजरात मोहतरम नायाब लवली साहब के लोग पहुँचते हैं और उनसे दरख्वास्त करते हैं कि तशरीफ ले आए। आपसे बुलंद आवाज में नारे सलवात की दरख्वास्त है। इश्क़ महे
महबूबे इलाही का करीना रख दे इश्क महबूबे इलाही का करीना रख दे दूरियां गुंबद खिज़रा की सही जाती नहीं मेरे मालिक मेरी आँखों में जब तुमसे कहें दुनिया वाले हम चांद पे जा सूरज को उगाया करते हैं मेरी खुपे जाने वालों को बतला दो बहुत मगरूर न हो घर बैठे नबी के घर वाले जोहरा को था कि आज की शब
احمد و جعفر کی مدد کیجیے. آج کی شب احمد و جعفر کی مدد کیجیے. مطلب پہلے سرکار ابو طالب کی بیعت کی پہلے سرکار ابو طالب کی بیعت کی آپ بھی اس نور کی محفل میں شرکت کیجیے. دوسرا نشان خاص طور جو آپ بھی اس نور کی محفل میں شرکت کیجیے. آئینے کو آئینہ کہنے کی ہمت کیجیے. محفل میں شرکت کیجیے. آئینے کو آئینہ کہنے کی ہمت کیجیے. اور یہ شعر دیکھا تھا, پڑھے لکھے لوگ یہاں موجود ہیں, مولانا کو سلامت رکھے. شعر حاضر کر رہا ہوں اور اس دعا کے ساتھ کی پہنچ جائے. نعت نعت مرسل کا محل تعمیر کرنے کے لیے نعت. دوسرا حصہ دیکھیے گا, نعت مرسل کا محل تعمیر کرنے کے لیے فکر کو احساس کو چھت کیجیے. اور ایک پیغام ہے, ظاہر سی بات ہے ہماری اس طرح کی محفلوں میں بہرحال پیغام تو رہتا ہی ہے, لیکن اگر آپ لوگوں کو یاد رہ جائے تو میں اپنی خوشی بھی سمجھوں گا. یہ بھی ہے اخلاق حق, یہ بھی ہے قبولی
تبلیغ اخلاق رسول محسوس کریں یہ بھی ہے تبلیغ دین تبلیغ احسان تبلیغ اخلاق رسول غیر بھی مل جائے تو صاحب سلامت کیجیے مل جائے تو صاحب سلامت پہل سرکار ابو طالب کی بیعت کیجیے بعد میں نعت نبی لکھنے کی نیت کیجیے شیخ مکرد سو رہے ہیں ملتضی خطروں کی چادر اوڑھ کر حیدری اور ایک شعر اور سماعت کر لیں کہہ رہا ہے یہ شب ہجرت کی چاندی کا چرا کہہ رہا ہے یہ شب ہجرت کی چاندی کا چرا مرتضی ایک رات سونے کی تجارت کیجیے ماشاءاللہ ہے
दो शेर और हैं समाप्त कर लें बस ज़हमत तमाम। जाफ़रे सादिक के दीवाने इकट्ठा हो गए, जाफ़रे सादिक के दीवाने इकट्ठा हो गए। आइए सरकार महफिल की सदा, दोहरा दे रहा हूं। आज की शब अहमद और जाफर की मिदहत कीजिए, ये मिसरा था। बस आखिर में ये तर्मीन करता हूं। कल के दिन होना है क्या, ये छोड़िए तकदीर पर, मैं हाजिर कर देना सिर्फ दो पंजी लेकिन मैं सिर्फ पढ़ूंगा, पढ़वाएंगे आप ही लोग। काम मुश्किलों में आया, काम मुश्किलों में आए, सबकी बिगड़ी बनाए, काम मुश्किलों में बने जिसका सहारा, गोशे भूतालिब की तरह काबा भी तुम्हारा तालिब है, कुदरत की
से कि जब आखिर में आप पहुंचे अली, अली के माना बुलंदी के होते हैं तो हाथ नीचे रह जाते हैं, मजा नहीं आता। है अच्छी तरह मालूम उसे किसकी चौखट पर जाना है। दरअसल सितारे का मकसद कुछ लोगों को धड़कने बढ़ाए, दिल की धड़कने बढ़ाए न जगाए न सुलाए, दिल की धड़कने बढ़ाए न जगाए न सुलाए, कहता जाए ये सितारा, कहता जाए ये सितारा। सारे नबियों की सिपर, सारे वलियों का वली, सारे नबियों की सिपर, सारे वलियों का वली, ये सखावत ये अता जिसकी गोदी में पला। Thank you.
जैसे